बाय बाय, ये मेरी गलती है बाय, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे बड़े भाई के साथ क्या हो रहा है बबलू? अरे क्या बबलू बीमार है? मुझे भी ऐसा ही लगता है। नहीं, वो सच में बीमार नहीं है भाई, मुझे माफ कर दो। उसको क्या हो रहा है बताओ? हुँ? हाँ क्या हो रहा है, उसे क्या हो गया है? ये आज सुबह की बात है। वाह, इन सब फलों को तो देखो। वाह, मैं पहले एक चक्के देख लेता हूँ। बबलू रुको, हमने इस फल को पहले कभी नहीं देखा, ये खतरनाक है। तो क्या, चुप रहो, तुम मेरे सर नहीं आ। इसे यहाँ दे दो छोटे, चुपचाप। नहीं नहीं नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, तुम पहले इसे खा के तो देखो, और फिर मैं मुझे बताओ किस में कैसा महसूस होता है। ये क्या हो रहा है? अरे क्या इसका मतलब हो सकती है? भाई भाई क्या हुआ, भाई भाई क्या हुआ भाई? ये पक्का वो राक्षस लखा होगा। ये लोग हमेशा मुझ पर इल्जाम क्यों लगाते हैं? दरअसल मैं भी तो पीड़ित हूँ। अरे यार बहुत भूख लगी है। ओ, अरे हाँ, यहाँ ये मेरा खुश नसीब दिन होगा। ये हो क्या रहा है, मुझे इतने चक्कर क्यों आ रहे हैं? अरे गया। क्या मेरे साथ क्या हुआ था? अब याद आया, सब उस फल की वजह से हुआ है। मैं इस पेड़ को ही काट दूंगा। मुझे बहुत भूख लगी है। चुप जा। लेकिन उसका मुझे फायदा मिला, अब सिर्फ एक ही भालू बच गया है और एक से निपटना मेरे लिए ज्यादा आसान है। ये बस एक दुर्घटना थी डब्लू, खुश रहो। धन्यवाद चिंटू, पर अब मेरे भाई का क्या करेंगे बोला? ये तो फिर से टकला लगा है। सभी लोग चलो उसके गंदे इरादों को नाकामयाब करते हैं। चलो चलो। क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है? मेरे पास एक ऐसी तरकीब है जो बाकी तरकीब की छुट्टी कर देगा। मेरी बात सुनो। आओ। मुझे नहीं समझ आ रहा। आ, 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 आवाज क्या थी? ये तो वही उल्लू है। अरे यार मुझे इसका पीछा करना चाहिए। आरी की आवाज सुनकर उन्हें लगेगा मैं पेड़ काट रहा हूँ। क्या सब ढक्कन है? वहाँ हो क्या रहा है? चिंटू सबसे पहले आता हूँ, फिर हम लोग। ये लो। इसकी तो चिंटू चिंटू बाबू खाओगे तुम? नहीं वो कहाँ गया? रुक जाओ। बहुत दर्द होता है यार।
अभी अच्छा कर लिया एक बंदर के लिए। रंजो, मुझे क्या करना चाहिए? बताओ। ये। चल तेरा ये कर्तव्य है छोटे। ए टकले लक्का। जंगल को आकर छोड़ दे अभी के अभी। ठीक है। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मुझे रोक सको तो रोक लो। अभी तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा लक्का। मैं आ रहा हूँ। आ जाओ। अरे मेरा पैर, मेरा पैर। तो बच गया। काफी नजदीक से गया था। ओ, मुझसे भाग रहा है। रुक जाओ टोटो, मैं वापस आता हूँ। कितना डरपोक निकला। भाई मैं ये नहीं कर सकता। मैं टकले लक्का को अकेला नहीं हरा पाऊंगा। तुम्हारी जरूरत है। तुम हमेशा मेरे लिए एक बहुत अच्छे लड़ाकू रहे हो भाई। मुझे क्या करना चाहिए? मैं टकले लक्का के बारे में बोल ही गया था। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? अब मैं क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? मैंने तुम्हें बहुत याद किया मेरे बड़े भाई। मुझे तुम्हारी जरूरत है। वाह, वो फल, उसमें एक नशा था। अब ऐसा लगता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो भाई। लक्का कहाँ है? मुझे हरी की आवाज आ रही है। ठीक है भाई, चलो चलते हैं। बदबूदार भालुओं के ना होने से पेड़ काटना कितना आसान हो गया। हमें इतना बुरा कैसे महसूस हुआ? वो बस एक फल ही तो था। उस गड्ढे आदमी ने उनको फल खिलाया था। चलो उस गड्ढे को सबक सिखा के आते हैं भाई। चलो रुको छोटे, देखो मेरे पास अभी भी कुछ फल है। क्या तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? मुझे अचानक ज्यादा ठंड क्यों लग रही है? मेरी टोपी कहाँ चली गई? तुम्हें तो बीमार होना चाहिए था ना। उसे तो ठीक होने में काफी दिन लग जाने चाहिए थे। तो समझ में नहीं आ रहा बबलू इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया। मैं तो पूरा एक हफ्ता बीमार था। वो लोग तो मेरे पास आ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा अब मैं क्या करूंगा। ये अजीब है, आपने उसे कॉल दिया, आप क्या करें? आप क्या? चलो इधर देखते हैं डब्लू। ठीक है। आह,
मैं तो आज जीतने के बाद भी हार गया।